हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है उसकी तैयारी के लिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट वन है जिसमें टोटल 36 क्वेश्चन हैं। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको 40। ठीक है, आपने पैटर्न, सिलेबस, कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के वीडियो में, अपने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने उसमें बहुत ही डिटेल में बताया कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कितने क्वेश्चंस और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन से जाके उस डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चूँकि दो टाइप जो है लगभग सेम टाइप का है, इसलिए मैंने उसमें से चार क्वेश्चन कम कर दिए। टोटल 36 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, जिसको मैं दो पार्ट में आपको बताने वाला हूँ, पार्ट वन एंड पार्ट टू में। ठीक है, पार्ट वन में 18 क्वेश्चन होंगे और पार्ट टू में फिर 18 क्वेश्चन और होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले टाइप के क्वेश्चंस में। हर टाइप के चार क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जैसा कि नवोदय विद्यालय में पूछा जाता है। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, इसी को रीजनिंग भी बोलते हैं, इसी को मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट में इसको इंटेलिजेंस टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सिर्फ आपकी बुद्धि का चेक होता है, आपकी बुद्धि को चेक किया जाता है कि आपका मेंटल एबिलिटी कितना है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको बुद्धि का यूज़ करना है। ठीक है, आपको कोई मैथमेटिक्स का कुछ भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, जहाँ आपने मैथमेटिक्स का अगर कुछ भी इसमें अकल लगाया तो आप इसमें फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैथ्स का अकल इसमें बिल्कुल नहीं लगाना है, सिर्फ आपको अपने दिमाग का यूज़ करना है, सिर्फ और फिगर देख के ही इसका आंसर सोचना है कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन का डायरेक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या डायरेक्शन है, इन ईच प्रॉब्लम फ्रॉम 1 to 4, यानी एक से चार तक के क्वेश्चन हैं उसमें। आउट ऑफ 4 फिगर्स मार्क 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3 और 4 फिगर्स मार्क किए हुए हैं इसमें। आपको मार्क करना है इसमें से 3 आर सिमिलर इन सर्टेन मैनर, इसमें से 3 किसी भी तरह से एक जैसे हो सकते हैं। ठीक है, और चौथा जो है उसमें वो अलग है, चौथा कोई से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें 4 फिगर्स में से 3 फिगर्स एक जैसे हैं किसी न किसी बेस पे। ठीक है, किसी न किसी वजह से। ठीक है, और एक फिगर उसमें से अलग है जिसको आपको बताना है कि वो अलग है तो क्यों है। ठीक है, आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि क्यों ये अलग है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, एरो है ये। ठीक है, एक तीर का निशान बना हुआ है और ये पीछे एक सर्किल है। ठीक है, तीर का निशान है, पीछे एक सर्किल है सब में, लेकिन इन तीनों को जब आप देखेंगे तो इन तीनों में कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। ठीक है, कोण से कोई मतलब नहीं है, जस्ट इसमें सीधा नहीं है। ठीक है, इन तीनों में देखेंगे तो इन तीनों में सीधा नहीं है। ठीक है, और इसमें ये जो तीर है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो देखने से आपको ये पता चलता है कि चौथा इसमें बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर बताएंगे, आंसर नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, बाकी में से कौन सा फिगर अलग है। ठीक है, तो अलग आप देख सकते हैं कि ये एरो है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरो है, सब में सेम एरो है। ठीक है, बस इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, कैसे, तो 45 डिग्री पे चेंज होता जा रहा है। ये पहले ऐसे है, फिर ऐसे हो गया, ऊपर यहाँ आ गया। ठीक है, 90 डिग्री का, सॉरी 45 में। ठीक है, पहले ऐसे है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताना है कि कौन सा डिफरेंस, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये सेम डायरेक्शन, इसमें कोई से भी अलग नहीं है, सेम डायरेक्शन में ये घूम रहा है, तो फर्क क्या। और एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ये डॉट है। ठीक है, तो सारे डॉट्स को हम देखेंगे कि इसके इस लाइन के राइट में है या लेफ्ट में है। ठीक है, अगर 3 एक तरफ है और एक अलग है तो दैट मीन्स वही डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं कि सब में, इसमें, इसमें और इसमें, सब में राइट साइड में डॉट है, लेकिन इस वाले फिगर में हम देख सकते हैं कि जो डॉट है वो लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये इस वजह से सबसे अलग हो गया, तो यहाँ पे आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फास्ट में देखेंगे टाइम कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या देखना है, नीचे काउंट करना है 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ऊपर देखिए कितना है, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये कितना है, 1, 2 और ये 3, 1, 2, 3, ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अभी आप देख सकते हैं क्या है, ऊपर 3 है कंट्री में, और नीचे ऊपर 4 है नीचे 3 है, ऊपर 3 है नीचे 2 है, ऊपर 7 है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7 ऊपर है तो यहाँ पे 6 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो इन तीनों में रिलेशन सेम है, और ये तीसरा जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, इन तीनों से अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको मैंने बताया है कि जो चार एक टाइप के जो चार क्वेश्चन होंगे उसका जो लेवल होगा वो दो तो आसान होते हैं, दो ईजी लेवल के होंगे, ठीक है, एक हार्ड होगा, ठीक है, और एक जो होगा ये मोस्ट हार्ड होगा। ठीक है, तो ये कौन से बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन होना तय होता है, वो ये क्वेश्चन चारों क्वेश्चन कर लेते हैं ईजीली। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो सभी बच्चे कर लेते हैं बहुत ईजी होता है, जैसे कि ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ईजी टाइप है, ये ओपन है ये ओपन है ये ओपन है, ठीक है, ये बंद है, नीचे सब में सेम लाइन दिया हुआ है तो कोई फर्क नहीं है इसमें, सब कर देना बस, ये आप आग बंद करके भी देखेंगे तो देखेगा आपको कि ये क्लोज है, इसलिए ये इन सबसे अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका इन, ये यहाँ पे टाइप चेंज हो गया, ये टाइप 2 आ गया यहाँ पे। ईच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम 5 टू 8 सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंगस्ट द फोर अल्टरनेटिव्स व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर एक्स वुड कंप्लीट द पैटर्न। ठीक है, इन चार फिगर्स में से एक दो तीन चार फिगर्स में से एक फिगर ऐसा चूज करना है जिसको यहाँ पे अगर रखा जाए वॉट की जगह पे तो ये बिल्कुल एक फिगर सेट हो जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पैटर्न कंप्लीशन। ठीक है, पैटर्न पूरा करने का ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको देखना है सब एक ही टाइप के दिख रहे हैं, तो इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा इसमें फिट हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो लाइन आके यहाँ पे मिल रहा है सेंटर में, ठीक है, एक ये एक ये, और ये क्या है, इस कॉर्नर से इस सेंटर में जा रहा है, इस कॉर्नर से इस सेंटर में जा रहा है, तो हम देखेंगे आप कौन सा सेंटर में जा रहा है, तो ये कॉर्नर है ये सेंटर में जा रही है, ठीक है, लेकिन इस कॉर्नर से भी यहाँ पे सेंटर में आना चाहिए था जो कि नहीं है, तो ये क्रॉस हो गया, यहाँ पे ये वाला तो सेंटर में आ रहा है लेकिन ये यहाँ से जाना चाहिए था जो यहाँ से जा रहा था, ये भी कट हो गया, इसको देखेंगे। ठीक है, सेंटर से यानी आउटर सेंटर से ये बीच में जाना चाहिए था, यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था और यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था, ठीक है, तो ये भी कट हो गया, तो लास्ट में बचता है हमारा चौथा, चौथा बिल्कुल देख सकते हैं बिल्कुल एंड पॉइंट से ये सेंटर पे जा रहा है, इस एंड से सेंटर पे आ रहा है, ठीक है, तो ये इसको हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये फिट हो जाएगा बिल्कुल, तो यहाँ पे आंसर हमारा 4 हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। ठीक है, पैटर्न पूरा करने वाला आकार को पहचाने, ये भी इजी क्वेश्चन में से है, वेरी बहुत ही इजी है, एस बना हुआ एक ये इसमें एक दो तीन तीनों सेम है, इसलिए कोई से भी एक आप ले सकते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा एस बनता है, तो एस यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे भी एस बन रहा है और यहाँ पे तो नहीं बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है और यहाँ पे एक बन रहा है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं बीच में हमारा ये वाला लाइन नहीं है इस वाले के लिए फिगर में, तो ये हमारा नहीं होगा, आंसर सही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें भी वैसे ही है, आपको पैटर्न कंप्लीट करना है, तो ये पैटर्न देख सकते हैं आप, ऐसा आ रहा है यहाँ से कहाँ जा रहा है, बीच में आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे, ओके, तो ये लगभग वाई बन रहा है, लेकिन ये सेंटर यहाँ से नहीं होते, यहाँ से थोड़ा सा नीचे से, तो वाई यहाँ पे भी बन रहा है लेकिन यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे है, ठीक है, उसको थोड़ा नीचे होना चाहिए, नीचे यहाँ पे है लेकिन ये सही से वाई यहाँ पे सेंटर से नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल यहाँ से आना चाहिए और इसको यहाँ जाना चाहिए, ठीक है, तो ये यहाँ पे सही है और ये यहाँ पे भी सही है, यहाँ ये सही है ये गलत है, यहाँ दोनों ही गलत है, यहाँ पे ये गलत है ये सही है, ठीक है, तो दोनों चीज़ सही होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर 4 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का है ये, इसमें देखेंगे क्या पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कैसे कंप्लीट होगा, इसमें आपको कंप्लीट नहीं करना फिगर, यहाँ पे आपको चूज करना है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिलेशन देखना है, इन दोनों में रिलेशन देख के आप यहाँ पे तय कर सकते हैं यहाँ पे क्या आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ट्रायंगल को बिल्कुल ऐसे कर्व वाला ट्रायंगल बना दिया है अंदर साइड में। ठीक है, ये कर्व टाइप बना दिया, अभी यहाँ पे ऑलरेडी कर्व दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो ये स्क्वायर का कर्व बना हुआ है। ठीक है, ये स्क्वायर का कर्व बना हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर होगा तभी ये बराबर काम करेगा, यानी कि सही दिखेगा, ये कंप्लीट हो जाएगा फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, लेकिन थोड़ा स्क्वायर नहीं, रोम्बस के शक्ल में चाहिए,
ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर ये वाला रहेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे ये स्क्वायर देख रहे हैं, इसको अगर ऐसे करेंगे तो वही फिगर आ जाएगा जो वहाँ पे हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अब 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है और ये नेक्स्ट टाइप भी है, ठीक है। पैटर्न कंप्लीशन का टाइप हो गया। अभी यहाँ पे देखना है कि सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द अमंगस्ट द आंसर फिगर विच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द फोर क्वेश्चन फिगर्स। इस टाइप को बोलते हैं सीरीज, ठीक है। कौन सा पिक्चर सीरीज, ठीक है। ये पिक्चर है 1, 2, 3, चौथे में क्या आएगा आपको ये बताना है, इनका आपस में जो रिलेशन है वो देखकर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक कंकरी बढ़ रही है, ठीक है, ये वाली कंकरी बढ़ गई, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है, तो वही सेम चीज़ इसमें और इसमें होना चाहिए, और ये कंकरी आने के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, पहले ऐसे ऐसे था, अभी ऐसे और ऐसे हो गया, तो थोड़ा सा 45 डिग्री का टिल्ट है इसमें। तो इसको भी जब हम 45 डिग्री का टिल्ट करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 45 डिग्री इसको करेंगे तो ये हमारा थोड़ा सा सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ये ऐसा सीधा नहीं होगा, थोड़ा सा ये अभी ऐसा है ना, ये अभी ऐसा है, कंक्रीट को देखेंगे ऐसा, 45 जब करेंगे तो ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे निकलना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये ऐड हो रहा है, तो इसमें हम ऐड करेंगे तो ये वाला चीज़ ऐड करेंगे ये, ठीक है। ये पहले से थोड़ा सा टिल्ट है, तो टिल्ट होकर ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा 1 हो सकता है, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि ये ज़्यादा टिल्ट हो गया, ठीक है, ये ज़्यादा घूम गया, इतना ज़्यादा नहीं घूमना है, ठीक है, इस वजह से ये आंसर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टेन में क्या बोल रहा है, सेम वैसे ही है, ठीक है। यहाँ पे फिगर देखिए, यहाँ पे काइट है, ठीक है, और यहाँ पे भी काइट है, ठीक है। तो काइट के बाद क्या आया, ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद क्या आया, फिर से वही काइट आ गया, लेकिन क्या चेंजेस है, ऊपर का नीचे है, नीचे का ऊपर है, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल था ऊपर, वो नीचे आ चुका है इसके साथ, इसके शेप के साथ, तो वही खेल अपने को इसमें भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे जो सर्किल है वो बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। तो सर्किल सेंटर में यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये तो नहीं आएगा, पहले ही पता चल गया, क्योंकि यहाँ बीच में ट्राइंगल है, तो इसके बाद फिर से ट्राइंगल ही आने वाला है, ठीक है। ट्राइंगल का क्या रहेगा, शेप वगैरह, तो वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या आ रहा है, तो ये पलट जा रहा है, ठीक है, ये उल्टा हो जा रहा है, वाटर इमेज दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे ट्राइंगल को जब हम उल्टा करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो नीचे आ जाएगी, और जो कॉर्नर है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेकेंड हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट अ फिगर, सेम वही चीज़ है, इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ उसको देखना कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आंसर देना है। तो वही ऑब्जर्व करने में जितना आपका टाइम लगेगा वही आपका टैलेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेम फिगर सेम जगह पे है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जगह भी कभी चेंज होता है, कभी शेप चेंज होता है, ठीक है, शेप है, प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इधर राइट साइड में एरो था ये, अब ये एरो ऊपर चला गया, तो जो राइट में था ऊपर चला गया, जो ऊपर था वो राइट में आ गया। तो यहाँ पे लेफ्ट में एरो है, तो ये नीचे आ जाएगा, एरो नीचे आ जाएगा, और नीचे जो ये गोला है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो सेम फिगर, सिर्फ हमारे पास यही एक सेम फिगर है, नीचे एरो है और इधर गोला चला गया, तो सही आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी वही सेम चीज़ है, तो प्रॉब्लम देखना है इसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, 8 है, यहाँ पे एरो है, यहाँ पे उल्टा टी है, ठीक है। तो नेक्स्ट फिगर हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, इसका शिफ्टिंग भी हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे चला जा रहा है, ये यहाँ चला जा रहा है, ये यहाँ आ जा रहा है, ये यहाँ पर चला जा रहा है, और डिफरेंस क्या है, ठीक है, सिंपल डिफरेंस क्या है, ये जो फिगर है ये जब ऊपर जाता है चेंज करता है तो इसका भी वाटर इमेज आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा वाटर इमेज इनका आ चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट जब इसमें आते हैं तो देखिए ये चीज़ वापस यहाँ आ गई, ठीक है, ये शिफ्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है, और ये शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं 8 है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो एरो था वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो एरो आ गया यहाँ पे, और जो यहाँ पे टी था वो ऊपर गया और वो पलट गया, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया टी, ठीक है। बाकी जितने हैं वो सब वैसे, अब इसमें से जब इसमें हम ट्रांसफर करेंगे, इस स्टेप में आएंगे तो क्या हो जाएगा, टी हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, और ये 8 चला जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से जो यहाँ गया था एरो वो वापस नीचे की तरफ हो जाएगा एरो, ठीक है।
तो इस टाइप का फिगर हम देख सकते हैं कि इसमें है एरो, यहाँ पे ये वाला एरो है जो हमें चाहिए, टी भी है और यहाँ पे वन भी है और ये एट भी है, ठीक है। तो सही आंसर हमारे यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सेम वैसी है, इसमें भी सॉरी यहाँ से तीसरा टाइप का हो गया, इसको एनालॉजी बोलते हैं। सेम सीरीज की तरह ये काम करता है। इसका रिलेशन इससे देखना है, ठीक है। सेम रिलेशन आपको यहाँ पे एस्टैब्लिश करना है इनमें से किसी एक फिगर के हेल्प से, ठीक है। चार फिगर दिए हुए तो किसी एक में, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ये कंफ्यूजिंग के लिए होता है ये, इसमें आपका अपना मेंटल एबिलिटी चेक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये भी आप नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है www.beinglearners.online। तो यहाँ पे इसका ये जो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को मैंने वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है, वहाँ पे आप जाके ऑनलाइन इस टेस्ट को फिर से दे सकते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए इसको इसका आंसर दे कर सबमिट कर सकते हैं। उसी टाइम आपको इसका रिपोर्ट मिल जाता है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कितने गलत हुए। तो प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत अच्छी जगह, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता आपको प्रैक्टिस करने के लिए। अपना टाइम लीजिए, 36 क्वेश्चन है तो 36 मिनट्स लीजिए और उस 36 मिनट्स में आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मार्क्स देखिए कितने आपके आ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो इसमें क्या था हमारा, इसमें क्या कंफ्यूजन होता है ये देखिए, हमारा क्या है ये चीज़ यहाँ शिफ्ट हो रहा है, जब इसको इसमें देखते हैं तो ये क्या स्टार यहाँ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब पूरा फिगर एंटी क्लॉक वाइज वापस आ रहा है, ठीक है। तो एंटी क्लॉक वाइज यहाँ आया, तो ये जो ऐसा था वाइट का जो निशान ऐसा था वो कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। क्रॉस था तो क्रॉस हो गया, कितना डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री पे चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे कोई चीज़ है जब 45 डिग्री चेंज हो गया तो सीधा हो जाएगा, और ऐसे आ रहा है तो दैट मीन्स 90 डिग्री पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह इसको देखेंगे, इसको भी एंटी क्लॉक वाइज इस तरह से घुमाएंगे तो ये जो है वो एंटी क्लॉक वाइज आने पर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो वाइट कलर जो दिख रहा है, ये वाइट अभी सीधा है ऐसा, तो इसका 90 डिग्री कैसा हो जाएगा, सीधा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया, कौन सा फिगर आ जाएगा इसमें, सीधा वाला आएगा, ठीक है। ये टेढ़ा वाला बिल्कुल नहीं आएगा, ये सीधा वाला आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में है, ठीक है, सेम वही है, वही चीज़ है, यहाँ पे ट्राइंगल है। इन दोनों का रिलेशन क्या है कि ट्राइंगल हाफ हो गया है और वो शेडेड हो गया, हाफ एंड शेडेड, तो इसको भी हाफ कर लेंगे और इसको शेड कर देंगे। तो इस टाइप का फिगर कहाँ पर है, चौथा फिगर इसी टाइप है, ओके। तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन पूरे होते हैं हमारे। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, इसी सीरीज का 15वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पी ई ए आर लिखा हुआ है, पी आर को हमने इसको यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जा रहा है, ये बिल्कुल क्लॉक वाइज डायरेक्शन में पूरा हर चीज़ टर्न हो जा रहा है, और लास्ट में पी भी, पी जब इधर आएगा, ठीक है, तो पी ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज ऐसा पूरा टर्न लेगा तो ये ऐसा उल्टा पी दिखेगा, ठीक है। तो उस उल्टे पी को हमने सीधा कर दिया है ऐसा, इस फिगर में गौर करेंगे तो, ठीक है। तो उसी वही काम अपने को अब फिर से करना है इसके लिए, स्टॉप के लिए, ठीक है। तो स्टॉप में क्या दिया हुआ है, एस टी ओ पी है, ठीक है। तो एस यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो जब एस खड़ा आएगा, जब उल्टा उल्टा हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, एस। उसके बाद आ जाएगा टी, ठीक है, ये पूरा ऐसे घूम के आ रहा है, ये ऐसे पूरा घूम के आ रहा है, तो एस आ जाएगा, उसके बाद टी आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ठीक है। ओ कैसा हो जाएगा, नीचे इसके वो आ जाएगा डॉट, अच्छा स्टॉप, और पी क्या है, पी सीधा सीधा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का कौन सा फिगर है, और ये एस को हम इसको बैठा देते हैं, ठीक है, ऐसा एस टी ओ पी, एस टी ओ पी, ये भी है एस टी ओ पी, ये भी, लेकिन पी का फर्क है यहाँ पे पी सही है और इसका जीरो के ओ के ऊपर डॉट है वो भी सही है इसमें, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका 15 का 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर टू फॉर्म द, ठीक है, वही चीज़ है, एनालॉजी बोलते हैं इसको, एनालॉजी, ठीक है। यहाँ पे दो फिगर्स को कंपेयर करते हैं, इसको उसके बाद सेम फिगर इस यहाँ से चूज करके यहाँ रखते हैं ताकि सेम रिलेशन इन दोनों के बीच में भी दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एस है, ये उल्टा एस हो गया, यानी कि कौन सा हो गया, ये मिरर इमेज दिख रहा है एस का, ठीक है। और इस एज का यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका मिरर इमेज है, यानी कि यहाँ पे ये उल्टा है तो सीधा हो जा रहा है, यहाँ सीधा है तो उल्टा हो जा रहा है। अभी इसको देखेंगे हम, 3 है, 3 का उल्टा कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा मिरर इमेज, और यहाँ पे पहले से 3 है तो इसका ऐसा हो जाएगा मिरर इमेज। ऊपर जो था ऊपर, ये भी चेंज हो रहा है, ये ट्राइंगल ऊपर है तो यहाँ पे नीचे हो गया, ट्राइंगल सर्कल नीचे है तो ये ऊपर हो गया सर्कल, तो
इसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे स्क्वायर है तो स्क्वायर हमारे नीचे हो जाएगा और ट्राइंगल जो है वो हमारे ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ट्राइंगल ऐसा ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे ढूंढ सकते हैं कौन सा आंसर सही है। थर्ड वन आपका, थर्ड वन नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे है, तो नीचे का ट्राइंगल ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे और नीचे स्क्वायर आ जाएगा। वेरी गुड, ये हमारा सही आंसर थर्ड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये है हमारा एम्बेड, एम्बेड में ही बोलेंगे, सो क्या बोलेंगे, दिए गए विकल्पों का चयन करें जो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन, फिगर कंस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं, फिगर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है। ये टूटा हुआ टुकड़ा है, ठीक है, एक टुकड़ा ये है एक्स के यहाँ पे लिखा हुआ है और इन चार टुकड़ों में से कोई एक टुकड़ा है जो इसके ऊपर रखने पे बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, गौर से अगर ध्यान देंगे तो आपको आंसर चुटकियों में पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं वैसे तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि कौन सा है, लेकिन अभी नहीं समझ आएगा, अभी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कैसे आप इसको कम से कम समय में पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका टारगेट यही रहना चाहिए कि ये जो उतार चढ़ाव है उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखेंगे ये दोनों सेम लेवल में, ठीक है, और यहाँ पे जो बन के आएगा स्क्वायर ये ऐसा ऊपर सीधा आएगा, ठीक है, ऐसे करके आएगा और ये इसके साथ गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कलर करके बता देता हूँ आपको और ईजी हो जाएगा, वरना आपको कलर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कलर करने पर आपको सीधा सीधा दिखने लगता है कि कहाँ पर ये कौन सा फिगर यहाँ पर बन के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर कौन सा बन के आएगा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कंपेयर क्या करना है आपको वो देख लीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले तो ये देखेंगे ये दोनों सेम लेवल में, ये दोनों सेम लेवल में नहीं है, तो इसको पहले ही हटा दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो इसको हम देखेंगे ये और ये, ठीक है, ये और ये हमारा सेम उसमें आना चाहिए, सेम लेवल में आना चाहिए। तो ये भी नहीं है तो ये भी कट जाएगा, ये और ये सेम लेवल में, ठीक है। इसमें और इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा सा कम है, यानी इधर वाला जो ये लगने वाला है ये जो है इससे कम है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये जो है, ठीक है, कौन सा ये वाला वन और टू, ठीक है। तो वन क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, टू बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वन जो है ये छोटा होना चाहिए, टू बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी वन छोटा है टू बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है डिफरेंस आपको देखना चाहिए कि कितना बड़ा है, किससे बड़ा है, ये जो है इससे बड़ा है, ठीक है। ये जो ये इसका लेवल है ये इससे बड़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बड़ा होना चाहिए इससे, ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्रॉस हो गया, सही आंसर आपका वन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप का, स्क्वायर बनाने का, अभी जो मैंने आपको बताया ट्रिक, इसको बनाने के लिए आप चेक करेंगे, यहाँ टूटा हुआ है तो ये पहले ही क्रॉस कर देना है इसको, ये नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसमें आपको ये मैच करना है, तो ये डिस्टेंस आप देखेंगे, ये डिस्टेंस, ये और ये तीनों सेम टू सेम है, यानी लगभग बराबर ही है, थोड़ा सा कम ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसा कम ज़्यादा ये तो हटा ही दीजिए इसको, इसमें देखेंगे तो ये जो है आपका ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ठीक है। तो ये तीन हो गए, एक दो तीन। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, एक सिर्फ उठा हुआ है, यहाँ पे गड्ढा है तो एक उठा रहेगा, ठीक है। तो एक ही उठा रहेगा, बाकी दोनों गड्ढे रहेंगे, ठीक है। तो एक ही उठा रहेगा, बाकी दो गड्ढे रहेंगे, यानी ये गड्ढा एक है और ये यहाँ पे गड्ढा है, कौन सा, ये दोनों, ये दोनों जो उठा हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से इसको भी उसी टाइप से बना कर देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको कलर करते हैं तो आपको दिखेगा कि कौन सा इसमें फिगर फिट आएगा, ठीक है। बहुत आसानी से अब आप इसको बता सकते हो मैच करके, ठीक है। तो कौन सा मैच हो रहा है, कौन सा मैच हो रहा है, ये हो रहा है टू है या फोर है, ठीक है। टू या फोर में आपको बताना है कि कौन सा इसमें है, अगर फोर है तो टू में क्या कमी है, टू है तो फोर में क्या कमी है, ठीक है। तो इसमें तो ये बराबर नहीं है, इसके इसको हम क्रॉस कर देंगे, ये बिल्कुल छोटा सा है और ये बड़ा है, ठीक है। तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे तीनों बराबर है, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों बराबर है। उसके बाद ये जाएगा और ये भी उठेगा और ये थोड़ा पतला सा, उसके बाद ये थोड़ा बड़ा सा, ठीक है। तो ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये लास्ट वाला पार्ट जो है ये
ऊंचा उठना चाहिए था, ठीक है। ये जो मैंने अभी कलर किया राइट साइड, यहाँ पे वो चीज़ दिख रहा है, ठीक है। तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, फोर्थ हो जाएगा। ये जस्ट समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लिया है, आपको इतना टाइम लेना नहीं है और ले भी नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम मिलेगा नहीं आपको। तो आपकी इतनी अच्छी ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि बिल्कुल देख के फटाफट आपको पता चल जाए कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में और मैं क्वेश्चन नंबर 19 to 36 आप नेक्स्ट पार्ट में उसको देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी के सेकंड पार्ट में मिलते हैं कल, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।